लोगों का नहीं हुआ है तो लीक कैसे? 13-14 इलेक्शन हम लोग देखा है, लड़े हैं, तो ऐसा होता है कि जब नोटिफिकेशन हो जाता है, जहाँ तक एनडीए का मामला है, दिल्ली में बैठकों का दौर चल रही है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। सीटों का बंटवारा फंसा हुआ है एनडीए गठबंधन में। जीतन राम मांझी को क्या मिलेगा? जीतन राम मांझी की पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं? संतोष सुमन से लेकर मांझी तक लगातार केंद्रीय नेतृत्व की टीम एनडीए गठबंधन की उनके संपर्क में है। एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी लीडिंग टीम है और इस टीम की वजह से ही सभी घटक दलों को उनकी सीटें मिलेंगी। जीतन राम मांझी को क्या 2 सीटें दी जा रही हैं? जीतन राम मांझी को क्या 1 सीट पर सेट कर दिया जाएगा? संतोष सुमन ने बीते दिनों गया में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि हमारी इच्छा तो गया से ही लड़ने की ही है, तो गया वाली सीट फाइनल कर दी गई है। देखिए, गया में जदयू के सांसद हैं, तो 1 सीट और जदयू का यहाँ से कम होता हुआ दिख रहा है। तो क्या मांझी के लिए नीतीश कुमार इतनी बड़ी कुर्बानी देंगे? गया वाली सीट क्या मिल जाएगा जीतन राम मांझी को? इन्हीं सब तमाम विषयों पर आज दिन भर लगातार मंथन हो रहा है। मोदी कैबिनेट का भी बैठक दिल्ली में हुआ है और इस बैठक में कई फैसले निकलने की उम्मीद बताई जा रही है। इतना ही नहीं, आपको ये भी बताते चले कि जीतन राम मांझी ने बड़ा दावा कर दिया है कि अगले 24 घंटे के अंदर में जो सीटों का बंटवारा है वो संपन्न हो जाएगा। अगले 24 घंटे के अंदर में सीट शेयरिंग एनडीए गठबंधन की फाइनल हो जाएंगी। जीतन राम मांझी कहाँ से लड़ेंगे ये भी फाइनल हो जाएगा। सुनिए जीतन राम मांझी क्या कुछ कह रहे हैं तमाम विषयों पर। महागठबंधन का सीट शेयरिंग हो गया क्या? जब उन लोगों का नहीं हुआ है तो लीक कैसे? हम 40-44 बरस से राजनीति में हैं, 13-14 इलेक्शन हम लोग देखा है, लड़े हैं, तो ऐसा होता है कि जब नोटिफिकेशन हो जाता है तो उसके 2 रोज के अंदर लोग सीट शेयरिंग की बात कर देते हैं। जहाँ तक एनडीए का मामला है, दिल्ली में बैठकों का दौर चल रही है, आज फाइनल हो जाना चाहिए। सोमवार को ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा जिसमें कैंडिडेट का डिक्लेरेशन होगा। ठीक है, पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।